गाइज देखो, अगर आपको अभी ये वाली स्टेटस वीडियो एडिट करनी है तो आपको दो प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो वो कहाँ मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। आपको गूगल पे जाना, वहाँ पे हमारी वेबसाइट का नाम सर्च करना है, राजनीतिक, ठीक है। और यहाँ पे देखो ऊपर में ही आपको मिल जाएगा। अगर आप अभी कुछ दिन बाद आओगे तो ये ऊपर नहीं रहेगा। तो उसके लिए क्या करना, सबसे एंड में जाना यहाँ पे, और यहाँ पे देखो कैटेगरी सेलेक्ट करना है, स्टेटस वीडियो एडिटिंग, ठीक है। ये वाली कैटेगरी जब आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। आपने इसको बस ओपन करना है और उसके बाद से नीचे की तरफ जाना है, और यहाँ पे देखो इसका जो प्रोजेक्ट है दोनों मिल जाएंगे। यहाँ पे एक सॉन्ग का प्रोजेक्ट है और दूसरा शेक इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट है। तो आपने जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है और ये आपको अलाइट मोशन में रिडायरेक्ट कर देगा। तो इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हो। सो गाइज, अगर अपना चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। वीडियो लाइक करना तो बिल्कुल नहीं बोला। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गाइज, हमने यहाँ पे अपने लाइट मोशन में दोनों प्रोजेक्ट ऐड कर लिया और यहाँ पे इसको ओपन कर लिया। देखो यहाँ पे एंड वाला जो प्रोजेक्ट है उसको हम डिलीट करते हैं। यहाँ पर देखो ये दो प्रोजेक्ट है, एक शेक वाला, एक शेक इफेक्ट वाला है और दूसरा जो हमारा है बीट मार्क वाला। तो यहाँ पे हम इसको ओपन करके दिखाते हैं आपको। देखो यहाँ पे इसमें बीट मार्क लगे हुए हैं, तो इसको अब एडिट आप कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। एकदम डिटेल में वीडियो है, आराम से एकदम समझना, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट में हमारी कोई भी लेयर नहीं है, तो यहाँ पे आप कोई भी इमेज रिप्लेस भी नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे प्लस का ऑप्शन पे जाना है, इमेज वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे जो इंस्टाग्राम साइज़ की इमेज होती है आपने उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे आगे की तरफ जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपकी इंस्टाग्राम साइज़ वाली इमेज होगी आपने उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जस्ट हम सिंपल से ऐड करेंगे, ये रही, और यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करना और इसको फिल स्क्रीन कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पूरे स्क्रीन पर फिल हो जाएगा। उसके बाद से देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इसका अगला मार्क है वहाँ तक इसको कर देना है, ठीक है। तो यहाँ तक मार्क है। अब देखो यहाँ पे एक हमारी फ़ोटो ऐड हो गई। अब दूसरे के लिए क्या करना, हम यहाँ पे वहीं पे जाएंगे जहाँ पे हमने मार्क लगाया था, सॉरी जहाँ पे मार्क लगा हुआ है वहाँ से हम सेकंड वाली फ़ोटो को ऐड करेंगे, ठीक है। और ये आगे यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट लगे हुए हैं, तो आगे का भी आप छोड़ दो, यहाँ पर अभी ध्यान दो फर्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हम इस वाले बीट मार्क पे आएंगे और यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे गाइस सेम साइज़ वाली हम फोटो ऐड करेंगे और इसको भी फिल स्क्रीन करेंगे, तो ये भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब इसमें देखो इस आगे यहाँ पे एक और मार्क है, ठीक है। वहाँ पे नहीं रुकना, उसके आगे वाले मार्क पे रुकना है। यहाँ पे देखो जहाँ से ये इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आपने इसको स्टॉप करना है, और बीच में जो मार्क है वहाँ से एक और स्प्लिट लगा देना है इसमें। मतलब यहाँ पे दो फोटो, यहाँ पे दो बीट मार्क पर रहेगी, मतलब एक ही फोटो दो बीट मार्क पर रहेगी। यहाँ पे देखो एक यहाँ पे और एक इसके आगे है, ठीक है। और इसके आगे से यहाँ से इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है, जैसे देखो यहाँ पे हमारा यहाँ से इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ तक हमारी फोटो आएगी, ठीक है। अब देखो क्या करना, अब यहाँ से आपने बैक करना है, और जो हमने इफेक्ट शेक इफेक्ट वाला दिया था प्रीसेट आपने उस पर जाना, और नीचे में देखो फोटो एक मिलेगा आपको, उस पर क्लिक करना, और यहाँ पे देखो लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से कॉपी लेयर कर लेना है, ठीक है। कॉपी लेयर करने के बाद से देखो आपका क्या करना है, बैक जाना है आप अपने, और उसी प्रोजेक्ट में जाना है, और यहाँ पे देखो फोटो पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। फोटो पे क्लिक करने के बाद से वही लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, और यहाँ पे देखो आपको पेस्ट लेयर और एक पेस्ट स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने यहाँ पे पेस्ट स्टाइल करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती से कर दिया था, तो यहाँ पे देखो पेस्ट स्टाइल, तो ये आपके फोटो पे आ जाएगा, ठीक है, ना कि अलग लेयर में। तो यहाँ पे इस तरह से कर लिया। उसके बाद से नेक्स्ट वाला लेयर जो हमारा है, जो हमारा नेक्स्ट बीट मार्क पर है, सेम वैसे भी उसमें लगा देना है। तो यहाँ पर हम दोनों में सेम कर देंगे, और यहाँ पर जो छोटा सा लेयर था उस पर भी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको ऊपर हम पेस्ट कर देंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, सॉरी पेस्ट स्टाइल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इतना हमारा रेडी हो गया, ठीक है। तो अब आप देखो क्या करना है इसमें, यहाँ पे जो ये वाली लेयर है फर्स्ट वाली लेयर, इसको क्या करना है, आपने यहाँ पे टैप एंड होल्ड करके रखना है, उसको सबसे नीचे ले जाना है, म्यूजिक के पास इसको लेकर चले जाना है, ठीक है। जहाँ पर म्यूजिक है उसके जस्ट ऊपर रखना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लेकर जाएंगे, कहाँ गया हमारा ये, हाँ ये रहा। तो सिंपल से इसको टैप करके रखेंगे और इसको नीचे लेके जाएंगे, इसको सबसे नीचे कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आ गया, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड वाली लेयर थी तो उसको कहाँ पे रखना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे टैप करके रखना, नीचे की तरफ लाना, और यहाँ पे देखो ये लाइन जो मिल रही है ब्लू कलर वाली, ब्लू कलर वाली लेयर जो है उसके नीचे रखना है बस इसको, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो हमारी छोटी सी लेयर थी इसको हम लेकर आएंगे नीचे की तरफ। तो यहाँ पे देखो इसको कहाँ रखना है मैं बताता हूँ, नीचे की तरफ लाते जाना, तो यहाँ पे देखो तीन लेयर है उसके नीचे आपने इसको कर देना, ठीक है।
तो ये हमारा रेडी हो जाएगा, जो हमारा फर्स्ट वाली इफेक्ट है वो रेडी हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो एक ग्रुप वाला ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे देखो ये ग्रुप वाला रेड कलर का जो है, ठीक है, ये ग्रुप वाला ऑप्शन है। इतना दूर तो हमारा इफेक्ट रेडी हो गया है, अब बाकी हमें आगे का रेडी करना है, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पे आपको ग्रुप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पे हम ग्रुप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक एडिट ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा, उस पर जाना है। यहाँ पे देखो सात, यहाँ पे सात फोटो आपने लगानी है, ठीक है, और एक में नहीं लगाना है, यहाँ पे नीचे से सात जो फोटो देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे बारी बारी जाना है, उस पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे जाना है, और यहाँ पे टेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो गैलरी में आप आ जाओगे। यहाँ से आपने क्या करना है, आपने फुल स्क्रीन वाली फोटो सेलेक्ट करनी है, आपने क्रॉप कर लेना है पिक्सार्ट से इन फोटोज़ को। देखो यहाँ पे जो भी फोटोज है सभी फुल स्क्रीन वाली है, आप पिक्सार्ट या फिर किसी एप्लीकेशन से फुल स्क्रीन वाली फोटो क्रॉप कर लेना, ठीक है। 9:16 वाली रेशियो वाली फोटो जो होती है वही फुल स्क्रीन वाली होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बारी बारी से सभी को हम रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे हम फटाफट से इसको रिप्लेस कर लेते हैं, जो भी सात लेयर हैं उनको हम सभी रिप्लेस करेंगे फोटो। फिर देखो अब इसमें इफेक्ट आ जाएगा हमारा, तो सिंपल से बैक करेंगे यहाँ पे, और देखो यहाँ पे इसको प्ले करने के बाद से यहाँ पे देखो ये हमारा फर्स्ट में इफेक्ट आ रहा है, और यहाँ पे उसके बाद से ये वाला इफेक्ट देखो, यहाँ से आगे ये देखो, मस्त एकदम इफेक्ट आ गया यहाँ पे। अब उसके बाद से देखो हमारा कौन सा लेयर है, उससे सिंपल से थोड़ा सा आपने ऊपर की तरफ करना है। यहाँ पे देखो एक और रेड लेयर है, ठीक है, तो ये ग्रुप वाली नहीं है, ये नॉर्मल लेयर है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो लेयर है, आपने इसमें जो अपनी फोटो है वो इंस्टाग्राम फोटो साइज की सेलेक्ट करनी है, ठीक है, जो आपकी इंस्टाग्राम की फोटो की साइज होती है आपने वही सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो सिंपल से जाएंगे यहाँ पे कलर एंड फिल में और टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखो हम फोटो सेलेक्ट करेंगे ये वाली, देखो हमारी इंस्टाग्राम साइज की फोटो है, जस्ट आपने प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना और ये ऐड हो जाएगा और एकदम प्रॉपर सेट होगा। उसके बाद जो ब्लू कलर वाली लेयर है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाली, इन सब में आपने फुल स्क्रीन वाली सेलेक्ट करनी है, जो हमारी 9:16 के वाली रेशियो वाली होती है आपने वो सेलेक्ट करनी है। और यहाँ पे जो एक रेड लेयर और है, दो रेड लेयर आपको मिलेंगी, आपने दोनों में इंस्टाग्राम साइज वाली फ़ोटो सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो हम ध्यान से अपने वीडियो को देखना है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया। अब जो हमारी ब्लू लेयर में है, तो सभी में हम फटाफट से इमेज सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे जस्ट आपने लेयर पे क्लिक करना है, ठीक है, और लेयर पे क्लिक करने के बाद से कलर एंड फिल में जाना है, और यहाँ से आपने इमेज सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जो भी आपकी फुल स्क्रीन वाली इमेजेस हैं उनको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद से इसको, उसके बाद से हम नेक्स्ट वाली लेयर को सेलेक्ट करेंगे, और इस तरह से करते करते जितने भी लेयर हैं आपने सभी लेयर में सेलेक्ट करते जाना है। तो यहाँ पे गए हम फटाफट से कर लेते हैं, ये एकदम इजी प्रोसेस है, आप तो कर ही लोगे इसको, मुझे पता है। अब यहाँ पे हमारा सभी इमेज सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे देखो एंड वाला बचा है, तो सिंपल से प्लस का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये भी सेलेक्ट हो गया। अब देखो एकदम हमारी मस्त यहाँ पे स्ट्रेट वीडियो रेडी हो गई है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है, प्ले करने के बाद से देखो एंड वाला, ठीक। तो इस तरह से आप भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे अब हमें इसमें सीसी इफेक्ट देना है, तो वो आपको कहाँ मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। सिंपल से आपने बैक जाना है और जेक इफेक्ट वाले में जाना है, यहाँ पे जो ऊपर की तीन लेयर है आपने उन तीनों को कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 1, 2, 3, ठीक है, और लेयर पे क्लिक करेंगे, कॉपी लेयर आपने कर लेना है, ठीक। और उसके बाद से क्या करना, बैक जाना है और यहाँ पे आपने जो अपनी प्रोजेक्ट है उसमें जाना है और यहाँ पे इस पर पेस्ट कर देना है, तो इसमें सीसी इफेक्ट आ जाएगा। फिर क्या करना, आपने फिर तीनों लेयर को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको क्या करना है, एंड तक कर देना है तीनों को, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जो आए आपका एंड तक आ जाएगा, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला लेफ्ट साइड में ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखो अब जो हमारी स्टेटस वीडियो को एकदम प्रॉपर रेडी हो गई है। और यहाँ पे गाइज प्ले करने के बाद से आप देखो गाइज हमारी कितनी मस्त लग रही है देखने में। तो इस तरह से आप बहुत ईजी स्टेप में इसको क्रिएट कर सकते हो, मैंने बता दिया है कि कैसे आपको क्रिएट करना है, जस्ट आपने इमेज को रिप्लेस करना है और थोड़ा बहुत आपने आइडिया लगाना है कैसे क्या करना है। तो गाइज आप कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसे लगे, अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।